इंसर्ट पे जाते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक एक ही वीडियो को 300 में लेंगे। हम यहाँ से क्लिक किया हमने क्या वीडियो पे, और यहाँ से दिस डिवाइस लिया, और फिर यहाँ से सपोज टू बी ये वाली एक वीडियो ले लेते हैं। इस वीडियो को हमने यहाँ पे ले लिया, इसको अच्छा सा एक फ्रेम लगा दिया, और इस फ्रेम को लगा के हमने यहाँ से इसको छोटा कर दिया, इसको यहाँ पे रख दिया, और उसके बाद कंट्रोल डी करके यहाँ पे रख दिया, और उसके बाद कंट्रोल डी करके यहाँ पे रख दिया, और उसको कंट्रोल डी करके फिर यहाँ पे रख दिया, और उसको कंट्रोल डी करके यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने इसके 3-4 हिस्से इसके इस तरह से बना दिए। ठीक है, अब इसके अगर स्टाइल बाद में चेंज करना चाहें तो वीडियो फॉर्मेट में जाके आप इसका ये स्टाइल रख रखा है इस तरह से रख दें, इसका ये स्टाइल रख रखा है इसका भी ये रख देते हैं। ठीक है, और इसका स्टाइल हम थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं, उसका बीच वाले का स्टाइल थोड़ा सा हम कुछ भी स्टाइल रखना चाहें वो रख लें। अब करना यह है कि फिर सबसे पहले जाना है होम में, और यहाँ से लेना है एक अदद सिलेक्शन पेन, और सिलेक्शन पेन लेके पहले इनके नाम रख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं हम वही V1, और इसका क्या नाम रखेंगे V2, और इसका क्या नाम रखेंगे V3, और इसका क्या नाम रखेंगे V4। ठीक है, और इसका क्या नाम रखेंगे V5। ठीक है, ये इस तरह से हमने बना लिया। अब इसके डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से डिफरेंट किस्म कोई भी डिज़ाइन हम बेड में ऐड कर देते हैं बैकग्राउंड पे। या ये हमारे पास डिज़ाइन आ गया। अब V1 वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से हम एनिमेशन पेन में चले जाते हैं। अब ये प्ले होगा और बाकी भी प्ले होंगे और डिफरेंट पार्ट्स प्ले होंगे। अब इसको दो तरह से बना सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक जगह पे एक के बाद एक पार्ट प्ले हो, फिर एक गायब हो, और इस तरह हो। तो इसको पहले एक इस तरह से बनाते हैं हम। इसको यहाँ पे क्लिक करके एनिमेशंस में जाके और ऐड एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, और उसको कहते हैं जैसे सपोज टू बी अपियर, और उसके बाद एक इफेक्ट देते हैं इसको डिसअपियर का, वही दो इफेक्ट लगाएंगे इसके ऊपर। एनिमेशन मेन में जाएंगे, अब ये इसको ऐड हो गए वीडियो 5 को ऐड हो गए, चलो कोई बात नहीं, अपियर डिसअपियर इसको ऐड। ठीक है, एक को गायब करेंगे एक को चलाएंगे, तो इस तरह से करेंगे इसको, यहाँ पर आ गया इस तरह से। ठीक है, तो वीडियो 5 हमारा टॉप पर है, फिर वीडियो 4 है, वीडियो इस तरह से होगा। तो पहले हम सारी वीडियोस को इस तरह से सेलेक्ट करके और इनको हम कर देते हैं ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप पर रहने देते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं, विद प्रीवियस कर देते हैं, इसको करते हैं आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं, और इसको आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने ये करने के बाद इस पर क्लिक करते हैं, एनिमेशन पेंटर लेंगे, इस पर क्लिक कर देते हैं, फिर इसको लेके एनिमेशन पेंटर से इस पर क्लिक कर देते हैं, फिर इस पर क्लिक करके एनिमेशन पेंटर से इस पर क्लिक कर देते हैं, फिर इस पर क्लिक करके एनिमेशन पेंटर से इस पर हो गया, इसका लेके एनिमेशन पेंटर इस पर लगा देते हैं, 5 पे हो गया। ठीक है, तो 5ों पे ही एनिमेशन पेंटर लग गया इसके ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5। फिर पहले वाले का वीडियो प्लेबैक लेंगे, ट्रिम वीडियो करेंगे, और ट्रिम वीडियो करके जैसे ये पूरा वीडियो है तकरीबन 21 मिनट 27 सेकंड का, तो हम इसको यहाँ से लेते हैं, सपोज ये 10 सेकंड से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर स्टार्ट होगा ये 0-0 और 15 सेकंड पे इसको एंड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसके बाद अगला पार्ट यहाँ पे रख देते हैं इसका, और यहाँ से जाके वीडियो प्लेबैक पे क्लिक करेंगे, ट्रेन वीडियो पे क्लिक करेंगे, फिर ये स्टार्ट होगा 16 सेकंड से, और ये स्टार्ट होगा 0-0 और 21 सेकंड पे कर देते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद ये स्टार्ट होगा, फिर वीडियो प्लेबैक पे जाते हैं, ट्रेन वीडियो पे क्लिक करके 0-0 22 सेकंड से स्टार्ट होगा, और ये एंड कर देते हैं हम इसका 0-0 28 सेकंड पे इसको एंड कर देते हैं। फिर इसका कुछ और पार्ट हिस्सा का वीडियो का जो है हम ले लेते हैं, यहाँ पे प्लेबैक करते हैं और यहाँ से ट्रिम वीडियो करते हैं, और फिर यहाँ से क्लिक करके ये स्टार्ट करेंगे हम इसको यहाँ से सपोज टू बी 15 मिनट और 15 सेकंड से, और इसको ओवर करेंगे हम यहाँ से 15 मिनट और 21 सेकंड के ऊपर। ठीक है, ये इसको यहाँ पे ओवर कर देते हैं, फिर ये रह गया, इसके बाद ये अलग किसी और पार्ट पर डाल देते हैं हम इसको प्लेबैक वीडियो पे क्लिक करके यहाँ से, और यहाँ से जाके इसको रखते हैं सपोज टू बी 17 मिनट, और यहाँ से 21 सेकंड से लेते हैं उसको हम बंद कर देते हैं, फिर जाके 17 मिनट और 25 सेकंड पे, 17 मिनट और 25 सेकंड पे इसको बंद कर दिया, ओके कर दिया। तो ये इस तरह का मामला हमने इसके साथ कर लिया, और स्लाइड शो कर लिया इसको। खाली आखिरी वाले पे अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है, अप्लाई तो हुआ लेकिन उसके बाद दूसरा नहीं चला। क्यों नहीं चला? सबको किया तो था मैंने ऑटोमेटिक, देख लेते हैं प्लेबैक पे जाके, ऑटोमेटिक है ये, इन सीक्वेंस में आ रहा है। अच्छा, तो ये कैसे आ रहा है? ये भी ऑटोमेटिक है, ये भी ऑटोमेटिक है, ये भी ऑटोमेटिक है, इस पे नहीं हो सका मामला। तो ऐसा करते हैं इसका फॉर्मेट पेंटर लेके इस पे लगा देते हैं। तो एनिमेशन पे जाके हमने यहाँ से क्लिक किया एनिमेशन पेंटर, और इस पे अप्लाई कर दिया, और अब इस पे क्लिक करके हमने देखा तो अब इसका प्लेबैक भी ऑटोमेटिक हो गया। अब स्लाइड शो करके देखते हैं।
बेहतर दी ए दुनिया बेहतर दी। जा रहे फराह खान रेमो साले पैसे के बिना नाचते नहीं है ये लोग। जगह पे प्ले होता रहेगा और आप उस पर डिफरेंट चीजें एक्टिविटी करवा सकते हैं। अच्छा, अब इसी का एक दूसरा हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि ये सब बनाया हमने, अब हम इसको डिफरेंट सीक्वेंस को यहीं से डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं। सेव कर देता हूँ फाइल को जरा। ओके, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं कि इसमें हम सबके जो है एक दफा फिर से सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और सबके जो एनिमेशंस को यहाँ पे हम कर देते हैं नन, ठीक है, और फिर सबसे एक दफा सबको सेलेक्ट करके दोबारा वीडियो प्लेबैक में जाते हैं और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं ऑटोमेटिक। अब सेकंड वाले में हम ये करने वाले हैं कि ऑटोमेटिक करके उन सबको प्लेबैक भी कर लेते हैं, तो प्लेबैक ऑटोमेटिक हो चुका, ठीक है। अब हम ये करने वाले हैं कि ये एनिमेशंस तो हम इसको देंगे, लेकिन अब एनिमेशन विजिबल वाली नहीं देंगे, अब थोड़ा सा दूसरा एनिमेशन इफेक्ट देंगे। जैसे इसको हम एक इफेक्ट देते हैं कि ये क्या करेगा, ये फ्लाई इन करता रहेगा, ठीक है, और ये फ्लाई आउट करेगा, इस तरह का एक एनिमेशन इफेक्ट में बनाएंगे। तो जैसे कि ये फ्लाई इन करेगा या इधर उधर मूव करेगा सपोज सुबी, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जैसे इसको फ्लाई आउट कराते हैं एक इफेक्ट को, तो यहाँ पे फ्लाई आउट इफेक्ट दिया हमने इसको, सॉरी यहाँ से नहीं देंगे, अंडू एड एनिमेशन फ्लाई आउट इफेक्ट दिया हमने सपोज इसको, तो ये देखेंगे यहाँ पर इस तरह से, तो इसको अभी हम यहाँ से भेज देते हैं तो राइट साइड पे, ठीक है, और इस तरह से ये हम देंगे एक इफेक्ट जो है एड एनिमेशन में जाके फिर इसको देंगे फ्लाई आउट इफेक्ट, और इसको हम भेज देते हैं सपोज टू बी राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और इसको यहाँ पे देते हैं एक एड एनिमेशन सपोज टू बी टीथरिंग इफेक्ट दे देते हैं इसको हम, इसका टीथरिंग नहीं आ रहा, तो कौन सा इफेक्ट इस पर लगेगा, स्प्लिट इफेक्ट दे देते हैं इसको, ठीक है, तो उसको यहाँ पर क्लिक करके ऐड एनिमेशन में जाके और यहाँ पर इसको हम दे देते हैं सपोज टू बी फ्लाई आउट, स्टॉप कर देते हैं और इसको हम ये देखिए काफ़ी सारे इफेक्ट्स मैंने इसके अंदर ऐड करा दिए। तो पहले हम देखते हैं कि इसके जो इफेक्ट्स हैं बेसिकली इस पर कौन से अप्लाई हुए। अब इसके वीडियो 5 के इफेक्ट्स ये हैं, तो वीडियो 5 का एक इफेक्ट तो ये है और ये इसके साथ आ गया, और इसका जो इफेक्ट है वीडियो 3 का एक इफेक्ट ये है, वीडियो 3 का प्ले बैक इफेक्ट कौन सा है ये वाला, और ये इसके साथ आ गया, ठीक है, और फिर ये कौन सा है वीडियो, ये कौन सा वीडियो 3 है, और ये कौन सा है वीडियो 1, वीडियो 1 का एक इफेक्ट ये रहा और दूसरा इफेक्ट ये इसके बाद आ गया, ठीक है। तो फिर यहाँ क्लिक करते हैं, ये कौन सा है वीडियो 2 है, तो वीडियो 2 पे क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं सारे इफेक्ट एक साथ हो गए, वीडियो 5, वीडियो 3, वीडियो 2, वीडियो 1 और वीडियो 4 का इफेक्ट कहाँ है, ठीक है, इस तरह से सीक्वेंस पे हमने रख दिया। अब करना क्या है कि ये तो प्ले होगा सो होगा, वीडियो 5 का प्ले वाला इफेक्ट ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, इसको रखेंगे विद प्रीवियस, ठीक है, और इसको रखेंगे आफ्टर टर्निंग विद प्रीवियस, ठीक है, इसको भी विद प्रीवियस कर देंगे, सबको ही कर दो विद प्रीवियस एक साथ परफॉर्म होने सारे सारे, तो सबको सेलेक्ट किया हमने, यहाँ से सबको कर दिया हमने विद प्रीवियस ऑल टू ऑल को, ठीक है। अब करना ये है कि जो इनकी ग्रीन वाले इफेक्ट हमने लगाए हैं या दूसरे इफेक्ट लगाए हैं, इनको यहाँ पे जाके इनकी टाइमिंग्स को सेट करना है, तो लो भाई ड्यूरेशन इसका ऑटो है, तो इसको हम सेट कर देते हैं सपोज टू बी 10 सेकंड का ड्यूरेशन रख देते हैं इसको, और यहाँ पे जाके हम इसका जो टाइमिंग में डिसेबल हो गया है तो इसको इस तरह ही करते हैं सबको, इसका भी ड्यूरेशन तकरीबन 10 सेकंड का कर देते हैं, और इसका भी ड्यूरेशन हम इसका
10 सेकंड का कर देते हैं। लिखने के बाद भी ऑटो ही हो रहा है, स्लाइड शो करके देखते हैं। बकवास कर रही है। सबका जो एक इफेक्ट है अपीयर वाला वो हमें रिमूव करना होगा, या अपीयर इफेक्ट हमने रिमूव नहीं किया इसमें से। वीडियो 5, वीडियो 4, इसको ऊपर रखो एक जरा। वो तो चलेगी, लेकिन सब पर ये तीन तीन इफेक्ट कैसे अप्लाई हो गए? इफेक्ट ही देना हम रेड वाला। हाय, थोड़ा सा दिमाग उलझ गया इन चीजों में। आइडिया ये करना था इसमें कि ये यहाँ से प्ले होता हुआ आए और ये चलता हुआ चला जाए। मतलब ये मिसाल के तौर पे हमने करना ये है कि इसको फ्लाई, अगर हम आउट इफेक्ट दे रहे हैं या फ्लाई इन इफेक्ट दे रहे हैं सपोज टू बी, तो वो इफेक्ट इस तरह से राइट साइड पे ऐसे जाएगा, और इन द मीन वाइल जब वो जाएगा तो ठीक है। अब इन द मीन वाइल ये एड एनिमेशन में जाके प्ले भी करे, तो उसको प्ले और प्ले इफेक्ट पे जाके हम उसको क्लिक करके इसके साथ विद प्रीवियस कर देते हैं। ये आइडिया हमने इसके साथ डिसाइड किया था। जाए और उसके बाद अब यही करते हैं फिर हम इसको के इसी का ये पेंटर लेके इस पे लगा देते हैं, और इसी का पेंटर लेके अब इसको लगा दिया, लेकिन इसका जो रेड वाला इफेक्ट है, जो इसका डायरेक्शन है, वो सपोज हम बॉटम कर देते हैं ठीक है, और इसी का डायरेक्शन लेके क्लिक करते हैं इसके ऊपर, और जो इसका डायरेक्शन है वो हम कर देते हैं सपोज टू बी इस तरह कर देते हैं, और फिर इसका एनिमेशन पॉइंटर लेके इस पे लगा देते हैं, फिर इसका जो डायरेक्शन है वो रेड वाला लेके इसका जो, और फिर जो इसका डायरेक्शन है वो लेके हम इस पे लगा देते हैं, और फिर इस पे क्लिक करके जो इसका रेड वाला डायरेक्शन पॉइंट है वो ठीक है। तो अब देखते हैं स्लाइड शो में किस तरह परफॉर्म हो रहा है। प्ले नहीं हो रहा ठीक है। अब प्ले क्यों नहीं हो रहा इसको देखते हैं। प्ले के लिए तो भाई यही सिचुएशन होगी, ये जो प्ले बैक वाला है ये हमने विद प्रीवियस तो रखा है, लेकिन इसका जो प्ले बैक टैब है उसको भी जाके हमें करना पड़ेगा। इसको ऑटोमेटिक तो है ही उस पर, और क्लिक पर है विद प्रीवियस करेंगे इसको। एक साथ परफॉर्म होने सारे ओके। एक साथ ही करना है ना इसको, इसको हमें आफ्टर कर देंगे तो फिर एक एक जाएगा, वो तो हम कर सकते हैं। मैं इसको ये चाह रहा था कि हम इसकी टाइमिंग में इसको रिपीट भी कराते रहे ना, यहाँ पे अंटिल ऑफ एंड स्लाइड पे क्लिक कर दें, और ड्यूरेशन भले इसका हम 20-20 सेकंड कर दें, क्या फर्क पड़ता है ठीक है ना। तो ये इस पे क्लिक करके एनिमेशन पॉइंटर लेके इस पे लगा देते हैं, फिर उनके सेट करने पड़ेंगे। अंडू कर रहा हूँ, क्यों 2 मिनट में तो बना रहे हैं, गर्मी भी तो देखो ना। फिर भी तुम देखना कितनी देर में बनाते हो। सर मैम चीजें भी इफेक्ट कर रही होती है ना,
अब देखें इसके ऊपर। वीडियो स्टॉप हो गई, पहले तो चली थी, वो ट्रिम किया हुआ है ना उनको, बात समझे, डुप्लीकेट लिया था ना उसकी, डुप्लीकेट ली थी ना हमने इसकी ट्रिम, ठीक है ना, वो उसकी ट्रिम किया हुआ है ना हमने यहाँ से, ये प्लेबैक में जाके ये ट्रिम हमने सबका बताया हुआ था ना, फिर ट्रिम हटाना पड़ेगा तो फिर सारी वीडियोस फिर पूरी पूरी चलेंगी, ठीक है ना। ट्रिम हटाने का तरीका ये है कि इसको भी ज़ीरो कर दो और इसको भी ज़ीरो कर दो, इस तरह से फिर ये वीडियो चलती रही। अच्छा फिर इसमें वीडियो भी चेंज कर सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं ये वाली वीडियो चलाना चाह रहे हैं हम, कोई और वीडियो लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप वो वीडियो लगा दें, मतलब चार पांच वीडियोस चलेंगी तो फिर वो अलग ही मामला रहेगा ना, फिर ये चलती रहेंगी इस तरीके से, और अलग अलग वीडियोस लगा दें या उसको ट्रिम कर दें तो ये वीडियोस इस तरह से एक जाती रहेगी आती रहेगी, इस तरह से घूमती रहेंगी। इसमें एक और टेक्निक भी होती है इसके अंदर, यहाँ पर शायद इसमें दी हुई हो, ऑटो रिवर्स नहीं है इसके अंदर, वरना यहाँ पे एक ऑटो रिवर्स का ऑप्शन भी आ रहा होता है, तो उससे क्या करते हैं वो पहले जाएगा आगे फिर वापस पीछे आ जाएगा, फिर जाता रहेगा फिर आगे जाता रहेगा, इस तरह के इफेक्ट भी क्रिएट हो सकते हैं। मतलब इस तरह का मामला क्रिएट करना भी इसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन बस उसमें यही है कि थोड़ा एक आइडिया रख के फिर उस चीज़ को बना। ये इस तरह के मामला भी इसके ऊपर किए जा सकते हैं।